आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है नानीज गैंग लीडर तो नानीज गैंग लीडर फिल्म का जो तेलुगु और हिंदी वर्जन है वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से, से, से यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फिल्म में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक प्रॉपर डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ एनालिसिस करने वाला हूँ फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी मिलने वाली है साथ ही में फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते ही नानीज गेंग लीडर पहले इस फिल्म का नाम गैंग लीडर था लेकिन कुछ रीजन के चलते बाद में इस फिल्म का नाम चेंज करते हुए नानिस गैंग लीडर रखना पड़ा था क्योंकि गैंग लीडर नाम से पहले भी काफी सारी फिल्में आ चुकी थी उस वजह से किसी फिल्म ने ऑब्जेक्शन लिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म को 2019 में क्रिएट किया गया था रिलीज किया गया था यह एक तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है करीबन पच्चीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म, का इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था वहीं पे इस फिल्म को सारीगमा सिनेमा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था और तेलुगु स्टेट में

तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म में टोटल पांच गाने जहां पे चार गाने फिल्म में रखे हुए और एक गाना है वो

है, उसको धारला प्रभु ने क्रिएट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के ट्रेकलिस्ट के ऊपर पहला गाना है रारा के रोर ऑफ द रिवेंजर्स तो इस गाने को लिखा हुआ है अनंता श्रीराम ने गाया हुआ है पृथ्वी चंद्रा और अनंता श्री राम और इनो गेंगे अनंता श्री राम ने और सिंगर थे सिद्ध श्री राम चौथा गाना था गेंगू लीडर जिसको एक पोरसा सॉन्ग के तौर पर क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स अनंता श्री राम ने लिखे हुए गाया हुआ अनिरुद्ध रविचंदन ने बोनस ट्रेक पांचवा कथराइज वर्जन जिसको गाया हुआ है अनिरुद्ध रविचंद्र ने थे टोटल पांच गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो एक क्रेजी बैंक रोबरी होती है जहां पे रोबरी हैदराबाद में की जाती है करीबन तीन करोड़ की रोबरी होती है अब इसके बाद में एक ओल्ड लेडी जिसका रोल प्ले रहे लक्ष्मी जो एक गेंग क्रिएट करती है जहां पे वो पेंसिल्स सारथी को अप्रोच करती है जिसका रोल प्ले करे रहे नानी जो एक क्राइम नोवेल स्पेशलिस्ट है जो अपने ये इस मदद को वो इस चीज को वो उसके यूज में लेना चाहता है इनिशियली पेंसिल इन सभी चीजों को इग्नोर करता है इन गेंग को इग्नोर करता है लेकिन बाद में फाइनली उनको हेल्प करने का डिसाइड करता है अब ये सभी जो वुमन है वो कौन है ये गैंग क्यों क्रिएट की हुई लक्ष्मी ने इसके पीछे क्या रीजन है और इसके अलावा वो बैंक रोबर के साथ क्या करना चाहती है और इसके अलावा पेंसिल उनकी मदद ही क्यों कर रहा है और देव इन सभी चीजों में किस तरह से फीचर का था इस सेटअप में उसका क्या हाथ है वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिस तरह से सेट किया हुआ था वो अलग ही नजर आ रहा था जो रेगुलर कमर्शियल फिल्म होती है उससे काफी डिफरेंट था विक्रम कुमार जिन्होंने इस फिल्म के साथ एक नया एंगल क्रिएट करके एक अच्छा फन एलिमेंट डाला हुआ था उनका नेरेशन काफी बढ़िया नजर आ रहा था जहां पे वो सीरियस टोन की जगह एक फन टोन में काफी बढ़िया तरीके से चीजों को दिखा रहे थे नानी ने जिस तरह से अपने किरदार को निभाया हुआ है वो काफी बढ़िया नजर आता है उनका वो अप्रोच उनकी वो कॉमेडी टाइमिंग जिस तरह से इस फिल्म में जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है जिस तरह से सभी चीजों को जनरेट किया हुआ था डायरेक्टर एक्टर ने मिलकर वो काफी बढ़िया था नानी का रोल अच्छी तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसने और भी बेहतर वे में उसको डिलीवर किया हुआ था नानी का जो ह्यूमर था सीरियसनेस थी इन दोनों चीजों का जो था उन्होंने बर्फ बब काफी बढ़िया तरीके से डाला हुआ है इसके अलावा इस ने भी इस फिल्म के साथ के साथ ट्रैक को परफेक्ट तरीके से सेट किया हुआ था सीनियर एक्ट्रेस लक्ष्मी जिन्होंने एक मीठी रोल प्ले किया हुआ है अपने रोल के साथ वो एक अच्छा फन क्रिएट करती है और साथ ही में जो एंड में एक सेंटीमेंट देखने को मिलता है वो भी काफी बढ़िया था सरणिया मोहन ने एक सुपर परफॉर्म

काम काफी बढ़िया हाँ नजर आता है वो सभी चीजें फिल्म एक देव क्रिएट करती है वेनिला किशोर का जो एक रोल था वो भी काफी बढ़िया तरीके से फन क्रिएट करने में कामयाब रहता है इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसको काफी जल्दबाजी में निपटाया हुआ है विलन को जिस तरह से दिखाया हुआ है नो टाइम काफी फटाफट सिंपल वे में एंड किया हुआ है तो वो सभी पेटर की जा सकती थी। इसके अलावा, इस लेकिन उतना बेहतर वे में क्लाइमेक्स में वो सभी चीजें देखने को नहीं मिलती है सेकंड हाफ में चीजें थोड़ी डाउन हो जाती है जब एक बार थोड़ा बहुत ट्विस्ट रिविल हो जाता है सभी चीजें प्रिडिक्टेबल हो जाती है स्क्रीन प्ले लास्ट टेन मिनट का आपको ठीक ठाक नजर आएगा उसको और बेटर वे में ग्रिपिंग वे में दिखाया जा सकता था इसके अलावा जो फिल्म के टेक्निकल पॉइंट है जैसे कि प्रोडक्शन वैल्यू काफी टॉप नोच नज़र आ रही थी क्राइम सीन्स रिवेंज सेटअप को अच्छी तरह से दिखाया हुआ था कैमरा वर्क काफी बढ़िया था टॉप नोच देखने को मिलता है एक स्पेसिफिक टोन था क्राइम का ब्रेक ब्रेकड्रॉप वाला वो अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था म्यूजिक में जो गाने थे वो डिसेंट थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर था वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव नजर आता है वहीं पे इस फिल्म की जो प्रोडक्शन डिजाइन है उसको काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है जो क्राइम सेटअप है जो एक गेंग का लुक क्रिएट किया हुआ था गेंग हाउस का लुक क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था एडिटिंग नोवेल स्क्रिप्ट और जिस तरह से, लिखे थे, फिल्म अच्छा किया से उन्होंने प्रेजेंट किया था वो आपको पसंद आएगा रिवेंट ड्रामा जिस तरह से के साथ उन्होंने दिखाया होता था उसके अलावा उसमें उन्होंने जिस तरह से ह्यूमर डाला हुआ था लेडी गेंग क्रिएट की हुई थी वो सभी चीजें जिस तरह से एक अप किए हुए वो सभी चीजें पसंद आएगी इस फिल्म में एलिमेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन उसके बावजूद अच्छा नोवेल में, में सभी चीजों को अप्रोच किया हुआ है और इस फिल्म में जिस तरह से एक्टर्स परफॉर्मेंस देखने को मिलती है लीड से लेकर सपोर्टिंग एक्टर की सभी की परफॉर्मेंस काफी रिस्टिक रो नेचुरल नजर आती है सस्पेंस कॉमेडी जिस तरह से हैंडल किए

जिसके चलते आईएमडीबी एम पे इस फिल्म को करीबन चार हजार वोट मिले हुए जिसमें सात पॉइंट छ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस फिल्म ने उसके साथ एक अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी किया करीबन पच्चीस के के ने करीबन पैतालीस से पचास करोड़ का क्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टेग लिया हुआ था क्लीन हिट का टेग लिया हुआ था ओटी टी सैटेलाइट राइट के ऊपर बातचीत करें तो तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म के जो ओटीटी वो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए तमिल वर्जन के लिए जो राइट्स है वो डिजनी प्लस होस्टार

पहले इस फिल्म का नाम गैंग लीडर था लेकिन कुछ रीजंस के चलते बाद में इस फिल्म का नाम चेंज करते हुए नानिज गैंग लीडर रखना पड़ा था क्योंकि गैंग लीडर नाम से पहले भी काफी सारी फिल्में आ चुकी थी उस वजह से किसी फिल्म ने ऑब्जेक्शन लिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म को 2019 में क्रिएट किया गया था रिलीज किया गया था को लिखा और करीबन पच्चीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था वहीं पे इस फिल्म को सारीगमा सिनेमाज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था और तेलुगु स्टेट में

तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म में टोटल पांच गाने जहाँ पे चार गाने फिल्म में रखे हुए हैं और एक गाना है वो बोनस ट्रेक है और फिल्म में जो गाने हैं वो टोटल शायद तीन ही देखने को मिलेंगे एक तो प्रमोशनल सॉन्ग है वैसे भी इन गानों को 2019 में ही रिकॉर्ड किया गया था 2019 में ही रिलीज किया गया था अल्बर क्योर का रिकॉर्ड जो का स्टूडियो है वहां पे चेन्नई में रिकॉर्ड किया गया था इस गानों को तेलुगु लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था म्यूजिक के राइट सोनी म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे अनि रविचंदन इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ था वहीं पे लिरिक्स है वो अनंत श्री राम और इन्नो जिगेंगा ने लिखे वो लिखे हुए वहीं पे जो प्रमोशनल सॉन्ग है उसको धारला प्रभु ने क्रिएट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के ट्रैक लिस्ट के ऊपर पहला गाना है यानी कि दी रिवेंजर्स तो इस गाने को लिखा हुआ है अनंता श्रीराम ने गाया हुआ है पृथ्वी चंद्रा और बासेर मैक्स ने दूसरा गाना है होइना होइना जिसके लिरिक्स अनंता श्रीराम और इनो गेंगा ने लिखे हुए गाया हुए इनो जेंगा ने वहीं पे तीसरा गाना है नीनू चूसे अंदर जिसके लिरिक्स लिखे हुए अनंत श्री राम ने और सिंगर थे सिद्ध श्री राम चौथा गाना था गेंगू लीडर जिसको एक सॉन्ग के तौर क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स आनंद ने लिखे हुए गाया हुआ अनिरुद्ध रविचंदर ने बोनस ट्रैक पांचवा कथरायम दम कथराइज वर्जन जिसको गाया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदर ने थे टोटल पांच गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो एक क्रेजी बैंक होती है जहां पे ये रोबरी हैदराबाद में की जाती है करीबन तीन सौ करोड़ की ये रोबरी होती है अब इसके बाद में एक ओल्ड लेडी जिसका रोल प्ले करी लक्ष्मी जो एक गैंग क्रिएट करती है जहां पे वो पेंसिल्स पार्थसार्थी को अप्रोच करती है जिसका रोल प्ले कर रहे नानी जो एक क्राइम नोवेल स्पेशलिस्ट है जो अपने ये इस मदद को वो इस चीज को वो उसके यूज में लेना चाहता है इनिशियली पेंसिल इन सभी चीजों को इग्नोर करता है इन गेंग को इग्नोर करता है लेकिन बाद में फाइनली उनको हेल्प करने का डिसाइड करता है अब ये सभी जो वुमन है वो कौन है ये गेंग क्यों क्रिएट की हुए लक्ष्मी ने इसके पीछे क्या रीजन है और इसके अलावा वो बैंक रोबिर के साथ क्या करना चाहती है और इसके अलावा पेंसिल उनकी मदद ही क्यों कर रहा है और देव इन सभी चीजों में किस तरह से फीचर का था इस सेटअप में उसका क्या हाथ है वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिस तरह से सेट किया हुआ था वो अलग ही नजर आ रहा था जो रेगुलर कमर्शियल फिल्म होती उससे काफी डिफरेंट था विक्रम कुमार जिन्होंने इस फिल्म के साथ एक नया एंगल क्रिएट करके एक अच्छा फन एलिमेंट डाला हुआ था उनका नेरेशन काफी बढ़िया नजर आ रहा था जहाँ पे वो सीरियस टोन की जगह एक फन टोन में काफी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखा रहे थे नानी ने जिस तरह से अपने किरदार को निभाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया नजर आता है उनका वो अप्रोच उनकी वो कॉमेडी टाइमिंग जिस तरह से इस फिल्म में जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है जिस तरह से जनरेट किया हुआ था डायरेक्टर और एक्टर ने मिलकर वो काफी बढ़िया था नानी का रोल अच्छी तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसने और भी बेहतर वे में उसको डिलीवर किया हुआ था नानी का जो ह्यूमर था सीरियसनेस थी इन दोनों चीजों का जो

काम काफी बढ़िया नजर आता है वो सभी चीजें फिल्म एक देव क्रिएट करती है विनेला किशोर का जो एक रोल था वो भी काफी बढ़िया तरीके से फन क्रिएट करने में कामयाब रहता है इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसको काफी जल्दबाजी में निपटाया हुआ है विलन को जिस तरह से दिखाया हुआ है नो टाइम काफी फटाफट सिंपल वे में एंड किया हुआ है तो वो सभी चीजें बेटर की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से प्री क्लाइमेक्स में चीजों को दिखाया हुआ हुआ है है जो सस्पेंस रिवील किया हुआ है, उसको और बेहतर वे में किया जा सकता था क्लाइमेक्स में कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन उतना बेहतर वे में क्लाइमेक्स में वो सभी चीजें देखने को नहीं मिलती है सेकंड हाफ में चीज़ें थोड़ी डाउन हो जाती है जब एक बार थोड़ा बहुत ट्विस्ट रिविल हो जाता है सभी चीजें प्रिडिक्टेबल हो जाती है स्क्रीन प्ले लास्ट टेन मिनट का आपको ठीक ठाक नजर आएगा उसको और बेटर वे में ग्रिपिंग वे में दिखाया जा सकता था इसके अलावा जो फिल्म के टेक्निकल पॉइंट्स है जैसे कि प्रोडक्शन वैल्यू काफी टॉप नोच नजर आ रही थी क्राइम सीन्स रिवेंट सेटअप को अच्छी तरह से दिखाया होता कैमरा वर्क काफी बढ़िया था टॉप नोच देखने को मिलता है एक स्पेसिफिक टोन था क्राइम का ब्रेकड्रॉप वाला वो अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था म्यूजिक में जो गाने थे वो डिसेंट थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर था वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव नजर आता है वहीं पे इस फिल्म की जो प्रोडक्शन डिजाइन है उसको काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है जो क्राइम सेटअप है जो एक गेंग का लुक क्रिएट

हुए है, वो सभी चीजें पसंद आएगी इस फिल्म में अननेसेसरी कमर्स या नहीं मिलेंगे लेकिन उसके बावजूद फिल्म काफी बढ़िया तरीके, तरीके से तरीके से इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग नजर आती है ओवरऑल गेंग लीडर एक क्राइम थ्रिलर इसी फिल्म है जहां पे अच्छा खासा फन है क्रिस नेरेसन देखने को मिलता है नोवेल वे में, में सभी चीजों को अप्रोच किया हुआ है और इस फिल्म में जिस तरह से एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है लीड से लेकर सपोर्टिंग एक्टर की सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी और नेचुरल नजर आती है सस्पेंस कॉमेडी जिस तरह है से हैंडल की हुई है डायरेक्टर ने बढ़िया है हाँ फिल्म में थोड़ी स्लाइटली डल होती है लेकिन उसको इग्नोर करोगे तो फिल्म काफी एंगेजिंग है देखने लायक है इसे देखा जा सकता है गैंग लीडर फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 13 सितंबर

से 50 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टेग लिया हुआ था क्लीन हिट का टेग लिया हुआ था

ंग्लिस सब टाइटल तमिल डब्ल्यू वर्जन में देखने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट प्रीमियर है वो भी आपको गोलमेन्स के ही चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली शायद हो सकता है कि संकेत सानूर मिर्जा नानी को वो कर सकते हैं अभी डबिंग स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन आने वाले समय में जब डबिंग स्टार्ट होगी उसको डबिंग करवाने के बाद इस फिल्म को डायरेक्टली पहले टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा और बाद में यूट्यूब पे ऑफिशियली गोल्ड के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहां पे नानीज में हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब टाइटल कर पाओगे तो इस तरह से नानीज गैंग लीडर फिल्म को आप तेलुगु तमिल और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो नानीज गैंग लीडर पहले इस फिल्म का नाम गैंग लीडर था लेकिन कुछ रीजंस के चलते बाद में इस फिल्म का नाम चेंज करते हुए नानिज गैंग लीडर रखना पड़ा था क्योंकि गैंग लीडर नाम से पहले भी काफी सारी फिल्में आ चुकी थी उस वजह से किसी फिल्म ने ऑब्जेक्शन लिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म को 2019 में क्रिएट किया गया था रिलीज किया गया था ये फिल्म को करीबन पच्चीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म, का इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था वहीं पे इस फिल्म को सारी गिनेमाज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था और तेलुगु स्टेट में

तो जैसे मैंने कहा कि फिल्म में टोटल पांच गाने जहां पे चार गाने फिल्म में रखे हुए और एक गाना है वो बोनस ट्रैक है और फिल्म में जो गाने वो टोटल शायद तीन ही देखने को मिलेंगे एक तो प्रमोशनल सॉन्ग है वैसे भी इन गानों को 2019 में ही रिकॉर्ड किया गया था 2019 में ही रिलीज किया गया था अल्बक्योर का रिकॉर्ड जो का स्टूडियो है वहां पे चेन्नई में रिकॉर्ड किया गया था इस गानों को तेलुगु लैंग्वेज में क्रिएट किया गया था म्यूजिक के राइट सोनी म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे अनिरुद्ध रविचंद्र ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ था वहीं पे लिरिक्स है वो अनंत श्री राम और जिगेंगा ने लिखे वो लिखे हुए है वहीं पे जो प्रमोशनल सॉन्गे उसको धारला प्रभु ने क्रिएट किया हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के ट्रेकलिस्ट के ऊपर पहला गाना है रारा लगा कि रोर ऑफ द रिवेंजर्स

वर्जन जिसको गाया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने थे टोटल पांच गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो एक क्रेजी बैंक रोबरी होती है जहां पे ये रोबरी हैदराबाद में की जाती है करीबन तीन करोड़ की रोबरी होती है अब इसके बाद में एक ओल्ड लेडी जिसका रोल प्ले करे लक्ष्मी जो एक गेंग क्रिएट करती है जहां पे वो पेंसिल को अप्रोच करती है जिसका रोल प्ले करे नानी जो एक क्राइम नोवेल स्पेशलिस्ट है जो अपने ये इस मदद को वो इस चीज को वो उसके यूज में लेना चाहता है इनिशियली पेंसिल इन सभी चीजों को इग्नोर करता है इन गेंग को इग्नोर करता है लेकिन बाद में फाइनली उनको हेल्प करने का डिसाइड करता है अब ये सभी जो वुमन है वो कौन है ये गेंग क्यों क्रिएट किए हुए लक्ष्मी ने इसके पीछे क्या रीजन है और इसके अलावा वो बैंक रोग के साथ क्या करना चाहती है और इसके अलावा पेंसिल उनकी मदद ही क्यों कर रहा है और देव इन सभी चीजों में किस तरह से फीचर का था इस सेटअप में उसका क्या हाथ है वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिस तरह से सेट किया हुआ था, वो अलग ही नजर आ रहा था जो रेगुलर कमर्शियल फिल्म होती है उससे काफी डिफरेंट था विक्रम कुमार जिन्होंने इस फिल्म के साथ एक नया एंगल क्रिएट करके एक अच्छा फन एलिमेंट डाला हुआ था उनका नरेशन काफी बढ़िया नजर आ रहा था जहाँ पे वो सीरियस टोन की जगह एक फन टोन में काफी बढ़िया तरीके से चीजों को दिखा रहे थे नानी ने जिस तरह से अपने किरदार को निभाया हुआ है वो काफी बढ़िया नजर आता है उनका वो अप्रोच उनकी वो कॉमेडी टाइमिंग जिस तरह से इस फिल्म में जो कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है जिस तरह सभी चीजों को जनरेट किया हुआ था डायरेक्टर ने मिलकर वो काफी बढ़िया था नानी का रोल अच्छी तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसने और भी बेहतर वे में उसको डिलीवर किया हुआ था नानी का जो ह्यूमर था सीरियसनेस थी इन दोनों चीजों का जो बैलेंस था उन्होंने बखूबी काफी बढ़िया से डाला हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस प्रियंका ने भी इस फिल्म के साथ एक इम्प्रेसिव डेब्यू किया हुआ है तेलुगु वर्जन में उनका काम काफ़ी बढ़िया नजर आता है दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी उनके नानी के साथ जितने भी सीन थे वो काफ़ी बढ़िया थे रोमांटिक ट्रैक को परफेक्ट तरीके से सेट से किया हुआ था सीनियर एक्ट्रेस लक्ष्मी जिन्होंने एक, एक मीठी रोल प्ले किया हुआ है अपने रोल के साथ वो एक अच्छा फन क्रिएट करती है और साथ ही में जो एंड में एक सेंटीमेंट देखने को मिलता है वो भी काफी बढ़िया था शरणिया मोहन ने एक सुपर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुई है और एक बार फूपी से वो प्रूव करती

ट करती है वेनेला किशोर का जो एक रोल था वो भी काफी बढ़िया तरीके से फन क्रिएट करने में कामयाब रहता है इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसको काफी जल्दबाजी में निपटाया हुआ है विलन को जिस तरह से दिखाया हुआ है नो टाइम काफी फटाफट सिंपल वे में एंड किया हुआ है तो वो सभी चीजें बेटर की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से क्लाइमेक्स में चीज़ों को दिखाया हुआ है जो सस्पेंस रिवील किया हुआ है उसको और बेहतर वे में किया जा सकता था क्लाइमेक्स में कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन उतना बेहतर वे में क्लाइमेक्स में वो सभी चीजें देखने को नहीं मिलती है सेकंड हाफ में चीज़ें थोड़ी डाउन हो जाती है जब एक बार थोड़ा बहुत ट्विस्ट रिवील हो जाता है सभी चीजें प्रिडिक्टेबल हो जाती है स्क्रीन प्ले लास्ट टेन मिनट का आपको ठीक ठाक नजर आएगा उसको और बेटर वे में ग्रिपिंग वे में दिखाया जा सकता था इसके अलावा जो फिल्म के टेक्निकल पॉइंट है जैसे कि प्रोडक्शन वैल्यू काफी टॉप नोच नजर आ रही थी क्राइम सीन्स रिवेंट सेटअप को अच्छी तरह से दिखाया होता कैमरा वर्क काफी बढ़िया था टॉप नोच देखने को मिलता है एक स्पेसिफिक टोन था क्राइम का ब्रेक वाला वो अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था म्यूजिक में जो गाने थे वो डिसेंट थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर था वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव नजर आता है वहीं पे इस फिल्म की जो प्रोडक्शन डिजाइन है उसको काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है जो क्राइम सेटअप है जो एक गेंग का लुक क्रिएट किया होता था गेंग हाउस का लुक क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था एडिटिंग थे डायरेक्टर विक्रम कुमार ने फिल्म के साथ अच्छा काम किया हुआ उनका नोवेल स्क्रिप्ट और जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया था वो आपको पसंद आएगा रिविन ड्रामा जिस तरह से के साथ उन्होंने दिखाया होता उसके अलावा उन्होंने जिस तरह से एक ह्यूमर डाला हुआ था लेडी गैंग क्रिएट की हुई थी वो सभी चीजें जिस तरह से एक सेट अपी हुए वो सभी चीजें पसंद आएगी इस फिल्म में अननेसेसरी एलिमेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन उसके बावजूद फिल्म काफी बढ़िया तरीके से इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग नजर आती है ओवरऑल गैंग लीडर एक क्राइम थ्रिलर ऐसी फिल्म है जहां पे अच्छा खासा फन है क्रिस नेरेसन देखने को मिलता है नोवेल में, में सभी चीजों को अप्रोच किया हुआ है और इस फिल्म में जिस तरह से एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है लीड से लेकर सपोर्टिंग एक्टर की सभी की परफॉर्मेंस काफी रिस्टिक रो और नेचुरल नजर आती है सस्पेंस कॉमेडी जिस तरह से हैंडल किए हुए डायरेक्टर वो बढ़िया है हाँ फिल्म क्लाइमेक्स में थोड़ी स्लाइटली डल होती है लेकिन उसको इग्नोर करोगे तो फिल्म काफी एंगेजिंग है देखने लायक है इसे देखा जा सकता है गैंग लीडर फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को तेरह सेप्टेम्बर द्वारा

वाले समय में एंजॉय करोगे वहीं पे जो तमिल वर्जन है वो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में Subtitle, तमिल डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट प्रीमियर है वो भी आपको गोलमाइंस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली सकता है लेकिन आने वाले समय में जब डबिंग स्टार्ट होगी उसको डबिंग करवाने के बाद इस फिल्म को डायरेक्टली पहले टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा और बाद में यूट्यूब पे ऑफिशियली गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहां पे नानीज गेंगे बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में भी सबटाइटल एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से नानीज़ गैंग लीडर फिल्म को आप तेलुगु तमिल और हिंदी वर्जन में एंजॉय कर सकते हो नानीज़ गैंग लीडर पहले इस फिल्म का नाम गैंग लीडर था लेकिन कुछ रीजंस के चलते बाद में इस फिल्म का नाम चेंज करते हुए ननिस गैंग लीडर रखना पड़ा था क्योंकि गैंग लीडर नाम से पहले भी काफी सारी फिल्में आ चुकी थी उस वजह से किसी फिल्म ने ऑब्जेक्शन लिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म को 2019 में क्रिएट किया गया था रिलीज किया गया था यह तेलगु लैंग्वेज फिल्म है करीबन पच्चीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म, का इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था वहीं पे इस फिल्म को सारीगम सिनेमाज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था और तेलुगु स्टेट में

तो जैसे एक मैंने कहा कि फिल्म में टोटल पांच गाने जहाँ पे चार गाने फिल्म में रखे हुए और एक गाना है वो बोनस ट्रेक है और फिल्म में जो गाने हैं वो टोटल शायद तीन ही देखने को मिलेंगे एक तो प्रमोशनल सॉन्ग है वैसे भी इन गानों को 2019 में ही रिकॉर्ड किया गया था 2019 में ही रिलीज किया गया था आलबर का रिकॉर्ड जो का स्टूडियो है वहां पे चेन्नई में रिकॉर्ड किया गया था

तो इस गाने को लिखा हुआ है अनंता श्रीराम ने गाया हुआ है पृथ्वी चंद्रा और बासिर मैक्स ने दूसरा गाना है होइना होइना जिसके लिरिक्स अनंता श्रीराम और इनो ने ने लिखे हुए गाया हुआ इनो वहीं पे तीसरा गाना है नीनु चूसे अंदर मलो जिसके लिरिक्स लिखे हुआ अनंता श्रीराम ने और सिंगर थे सिद्ध श्री चौथा गाना था गेंगू लीडर जिसको एक रोमास सॉन्ग के तौर पर क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स अनंता श्री ने लिखे हुए गाय हुए अनिरुद्ध रविचंदन ने बोनस ट्रिक पांचवा दम वर्क जन जिसको गाया हुआ है अनुरोध रविचन्द्र ने थे टोटल पांच गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तिलगोरजन में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो एक क्रेजी बैंक रोबरी होती है जहां पे रोबरी हैदराबाद में की जाती है करीबन 300 करोड़ की रोबरी होती है अब इसके बाद में एक ओल्ड लेडी जिसका रोल प्ले करे लक्ष्मी जो एक गेंग क्रिएट करती है जहां पे वो पेंसिल को अप्रोच करती है जिसका रोल प्ले करे नानी जो एक क्राइम नोवेल स्पेशलिस्ट है जो अपने ये इस मदद को वो इस चीज को वो उसके यूज में लेना चाहता है इनिशियली पेंसिल इन सभी चीजों को इग्नोर करता है इन गेंग को इग्नोर करता है लेकिन बाद में फाइनली उनको हेल्प करने का डिसाइड करता है अब ये सभी जो वुमन है वो कौन है ये गैंग क्यों क्रिएट की हुई लक्ष्मी ने इसके पीछे क्या रीजन है और इसके अलावा वो बैंक रोबरी के साथ क्या करना चाहती है और इसके अलावा पेंसिल है? उनकी मदद ही क्यों कर रहा है और देव इन सभी चीजों में किस तरह से फीचर करता है इस सेटअप में उसका क्या हाथ है वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिस तरह से सेट किया हुआ था वो अलग ही नजर आ रहा था जो रेगुलर कमर्शियल फिल्म होती है, उससे काफी डिफरेंट था विक्रम कुमार जिन्होंने इस फिल्म के साथ एक नया एंगल क्रिएट करके एक अच्छा फन एलिमेंट डाला हुआ था उनका नेरेशन काफी बढ़िया नजर आ रहा था जहां पे वो सीरियस टोन की जगह एक फन टोन में काफी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखा रहे थे नानी ने जिस तरह से अपने किरदार को निभाया हुआ है वो काफी बढ़िया नजर आता है उनका वो अप्रोच उनकी वो कॉमेडी टाइमिंग जिस तरह से इस फिल्म में जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है जिस तरह सभी चीजों को जनरेट किया हुआ था डायरेक्टर और एक्टर ने मिलकर वो काफी बढ़िया था नानी का रोल अच्छी तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसने और भी बेहतर वे में उसको डिलीवर किया हुआ था नानी का जो ह्यूमर था सीरियसनेस थी इन दोनों चीजों का जो पेल

डिलीवर किए हुई है और एक बार फूल करते हुए जिस तरह से इस रोल के साथ उन्होंने एक क्लेवर वे में एक परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है वो आपको पसंद आएगी साथ ही में इससे अंदाजा लगेगा की वो काफी आगे जाके बड़े हीरो बन सकते है देव एक स्टाइलिस किरदार था एग्रेसिव तो इन सभी चीजों में उनका काम काफी बढ़िया नजर आता है वो सभी चीजें फिल्म एक देव क्रिएट करती है वेनिला किशोर का जो एक रोल था वो भी काफी बढ़िया तरीके से फन क्रिएट करने में कामयाब रहता है इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसको काफी जल्दबाजी में निपटाया हुआ है विलन को जिस तरह से दिखाया हुआ है नो टाइम काफी फटाफट सिंपल वे में एंड किया हुआ है तो वो सभी चीजें बेटर की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से फ्री क्लाइमेक्स में चीजों को दिखाया हुआ है जो सस्पेंस रिवील किया हुआ है उसको और बेहतर वे में किया जा सकता था क्लाइमेक्स में कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन उतना बेहतर वे में क्लाइमेक्स में वो सभी चीजें देखने को नहीं मिलती है सेकंड हाफ में चीज़ें थोड़ी डाउन हो जाती है जब एक बार थोड़ा बहुत ट्विस्ट रिवील हो जाता है सभी चीजें प्रिडिक्टेबल हो जाती है स्क्रीन प्ले लास्ट टेन मिनट का आपको ठीक ठाक नजर आएगा उसको और बेटर वे में ग्रिपिंग वे में दिखाया जा सकता था इसके अलावा जो फिल्म के टेक्निकल पॉइंट्स है जैसे कि प्रोडक्शन वैल्यू काफी टॉप टोपनोच नजर आ रही थी क्राइम सीन्स रिवेंज सेटअप को अच्छी तरह से दिखाया हुआ था कैमरा वर्क काफी बढ़िया था टॉप टोपनोच देखने को मिलता है एक स्पेसिफिक टोन था क्राइम का ब्रेक ड्रॉप वाला वो अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था म्यूजिक में जो गाने थे वो डिसेंट थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर था वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव नजर आता है वहीं पे इस फिल्म की जो प्रोडक्शन डिजाइन है उसको काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है जो क्राइम सेटअप है जो एक गेंग का लुक क्रिएट

की हुए है, वो सभी चीजें पसंद आएगी इस फिल्म में आपको देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन उसके बावजूद फिल्म काफी बढ़िया तरीके से तरीके अच्छा से मिलता है नोवेल वे में, में सभी चीजों को अप्रोच किया हुआ है और फिल्म में जिस तरह से परफॉर्मेंस देखने को मिलती है लीड से लेकर सपोर्टिंग एक्टर की सभी की परफॉर्मेंस काफी रिस्टिक रो नेचुरल नजर आती है सस्पेंस कॉमेडी जिस तरह से हैंडल की हुई

जिसके चलते आई एम पे इस फिल्म को करीबन चार हजार वोट मिले हुए जिसमें की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस फिल्म ने उसके साथ एक अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी किया करीबन पच्चीस पैंतालीस करते हुए पे एक हिट का टेग लिया हुआ था ओटी टी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करे तो तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म के जो ओटीटी वो एमेजोन प्राइम मीडियो वालों ने खरीदे हुए तमिल वर्जन के लिए जो राइट्स है वो डिजनी प्लस होस्टार वालों ने खरीदे हुए वहीं पे हिंदी वर्जन के रेड स्कॉल माइंस के पास है नानी गैंग लीडर आपको अगर तेलुगु वर्जन में देखनी है तो Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर with english subtitle subscription आप एंजॉय कर सकते हो हिंदी वर्जन आप कॉलमाइंस के ऊपर आने वाले समय में एंजॉय करोगे वहीं पे जो तमिल वर्जन है वो आपको Disney Plus Hotstar के ऊपर बिल्कुल फ्री में एवरी थिंग सब तमिल डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट प्रीमियर है वो भी आपको गोलमाइंस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली शायद हो सकता है कि संकेत महात्री या सानूर मिर्जा नानी को वो इज कर सकते हैं अभी डबिंग स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन आने वाले समय में जब डबिंग स्टार्ट होगी उसको डबिंग करवाने के बाद इस फिल्म को डायरेक्टली पहले टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा और बाद में यूट्यूब पे ऑफिशियली गोलमाइंस के यूटूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहां पे गैंग लीडर फिल्म आप बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब टाइटल कर पाओगे तो इस तरह से गैंग लीडर फिल्म को आप तेलगू तमिल और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो नानीज गैंग लीडर पहले इस फिल्म का नाम गेंग लीडर था लेकिन कुछ रीजंस के चलते बाद में इस फिल्म का नाम चेंज करते हुए नानिस गेंग लीडर रखना पड़ा था क्योंकि गेंग लीडर नाम से पहले भी काफी सारी फिल्में आ चुकी थी उस वजह से किसी फिल्म ने ऑब्जेक्शन लिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म को 2019 में क्रिएट किया गया था रिलीज किया गया था यह तेलुगु लैंग्वेज फिल्म, पे इस फिल्म का है और ने। इस फिल्म को करीबन पच्चीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था वहीं पे इस फिल्म को सारीगमा सिनेमा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था और तेलुगु स्टेट में

तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म में टोटल पांच गाने जहां पे चार गाने फिल्म में रखे हुए और एक गाना है वो बोनस ट्रेक है और फिल्म में जो गाने हैं वो टोटल शायद तीन ही देखने को मिलेंगे एक तो प्रमोशनल सॉन्ग है वैसे भी इन गानों को 2019 में ही रिकॉर्ड किया गया था 2019 में ही रिलीज किया गया था आलब क्योर का रिकॉर्ड जो स्टूडियो है वहां पे चेन्नई में रिकॉर्ड किया गया था

तो इस गाने को लिखा हुआ है अनंता श्रीराम ने गाया हुआ है पृथ्वी चंद्रा और अनंता श्री राम और इनो गाना है अनंता श्रीराम ने और सिंगत सिद्ध श्री राम चौथा गाना था गेंगू लीडर जिसको एक रामोसा सॉन्ग के तौर पर क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स अनंता श्रीराम ने लिखे हुए गाया हुए इनो गेंगा है हुआ अनिरुद्ध रविचंदन ने बोनस ट्रेक पांचवा प्रिप्राइज वर्जन जिसको गाया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने थे टोटल पांच गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो एक क्रेजी बैंक रोबरी होती है जहां पे ये रोबरी हैदराबाद में की जाती है करीबन तीन करोड़ की यह रोबरी होती है अब इसके बाद में एक ओल्ड लेडी जिसका रोल प्ले करे लक्ष्मी जो एक गेंग क्रिएट करती है जहां पे वो पेंसिल को अप्रोच करती है जिसका रोल प्ले करे नानी जो एक क्राइम नोवेल स्पेशलिस्ट है जो अपने ये इस मदद को वो इस चीज को वो उसके यूज में लेना चाहता है इनिशियली पेंसिल इन सभी चीजों को इग्नोर करता है इन गेंग को इग्नोर करता है लेकिन बाद में फाइनली उनको हेल्प करने का डिसाइड करता है अब ये सभी जो वुमन है वो कौन है ये गेंग क्यों क्रिएट किए हुए लक्ष्मी ने इसके पीछे क्या रीज़न है और इसके अलावा वो बैंक रोबरी के साथ क्या करना चाहती है और इसके अलावा पेंसिल है? उनकी मदद ही क्यों कर रहा है और देव इन सभी चीजों में किस तरह से फीचर का था इस सेटअप में उसका क्या हाथ है वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिस तरह से सेट किया हुआ था वो अलग ही नजर आ रहा था जो रेगुलर कमर्शियल फिल्म होती है उससे काफी डिफरेंट था विक्रम कुमार जिन्होंने इस फिल्म के साथ एक नया एंगल क्रिएट करके एक अच्छा फन एलिमेंट डाला हुआ था उनका नरेशन काफी बढ़िया नजर आ रहा था जहां पे वो सीरियस टोन की जगह एक फन टोन में काफी बढ़िया तरीके से चीजों को दिखा रहे थे नानी ने जिस तरह से अपने किरदार को निभाया हुआ है वो काफी बढ़िया नजर आता है उनका वो अप्रोच उनकी वो कॉमेडी टाइमिंग जिस तरह से इस फिल्म में जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है जिस तरह सभी चीजों को जनरेट किया हुआ था डायरेक्टर और एक्टर ने मिलकर वो काफी बढ़िया था नानी का रोल अच्छी तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसने और भी बेहतर वे में उसको डिलीवर किया हुआ था नानी का जो ह्यूमर था सीरियसनेस थी इन दोनों चीजों का जो पे

काम काफी बढ़िया नजर आता है वो सभी चीजें फिल्म एक देव क्रिएट करती है किशोर का जो एक रोल था वो भी काफी बढ़िया तरीके से फन क्रिएट करने में कामयाब रहता है इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसको काफी जल्दबाजी में निपटाया हुआ है विलन को जिस तरह से दिखाया हुआ है नो टाइम फी फटाफट सिंपल वे में एंड किया हुआ है तो वो सभी चीजें बेटर की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से प्री क्लाइमेक्स में चीजों को दिखाया हुआ है जो सस्पेंस रिवील किया हुआ है उसको और बेहतर वे में किया जा सकता था क्लाइमेक्स में कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन उतना बेहतर वे में क्लाइमेक्स में वो सभी चीजें देखने को नहीं मिलती है सेकंड हाफ में चीज़ें थोड़ी डाउन हो जाती है जब एक बार थोड़ा बहुत ट्विस्ट रिवील हो जाता है सभी चीजें प्रिडिक्टेबल हो जाती है स्क्रीन प्ले लास्ट टेन मिनट का आपको ठीक ठाक नजर आएगा उसको और बेटर वे में ग्रिपिंग वे में दिखाया जा सकता था इसके अलावा जो फिल्म के टेक्निकल पॉइंट्स है जैसे कि प्रोडक्शन वैल्यू काफी टॉप टोपनोज नजर आ रही थी क्राइम सीन्स रिवेंज सेटअप को अच्छी तरह से दिखाया हुआ था कैमरा वर्क काफी बढ़िया था टॉप टोपनोज देखने को मिलता है एक स्पेसिफिक टोन था क्राइम का ब्रेक ड्रॉप वाला वो अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था म्यूजिक में जो गाने थे वो डिसेंट थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर था वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव नजर आता है वहीं पे इस फिल्म की जो प्रोडक्शन डिजाइन है उसको काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है जो क्राइम सेटअप है जो एक गेंग का लुक क्रिएट

की हुए है, वो सभी चीजें पसंद आएगी इस फिल्म में अननेसेसरी कमर्शियल एलिमेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन उसके बावजूद फिल्म काफी बढ़िया तरीके से इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग नजर आती है ओवरऑल गेंग लीडर एक क्राइम थ्रिलर ऐसी फिल्म है जहां पे अच्छा खासा फान है नोवेलवे में, में सभी चीजों को अप्रोच किया हुआ है और इस फिल्म में जिस तरह से एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है लीड से लेकर सपोर्टिंग एक्टर की सभी की परफॉर्मेंस काफी रिस्टिक रो और नेचुरल नजर आती है सस्पेंस कॉमेडी जिस तरह है से हैंडल की हुई है डायरेक्टर नो बढ़िया है हाँ फिल्म में थोड़ी स्लाइटली डल होती है लेकिन उसको इग्नोर करोगे तो फिल्म काफी एंगेजिंग है देखने लायक है इसे देखा जा सकता है गैंग लीडर फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 13 सितंबर 2019 को रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में इस फिल्म को पोस्टपोन किया सॉरी इस फिल्म को बाद में पहले 30 अगस्त 2019 को रिलीज करने वाले थे लेकिन फाइनली 13 सितंबर 2019 को रिलीज किया गया था एक बार फिल्म को रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते आई एम पे इस फिल्म को करीबन चार वोट मिले हुए जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस फिल्म ने उसके साथ एक अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस

आप कर सकते हो, हिंदी आप हिंदी वर्जन के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट प्रीमियर है वो भी आपको गोलमेन्स के ही चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली शायद हो सकता है कि संकेत सानूर मिर्जा नानी को वो इज कर सकते है अभी डबिंग स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन आने वाले समय में जब डबिंग स्टार्ट होगी उसको डबिंग करवाने के बाद इस फिल्म को डायरेक्टली पहले टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा और बाद में यूट्यूब पे ऑफिशियली गोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहाँ पे नानीज फिल्म आप बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब टाइटल कर पाओगे तो इस तरह से नानीज गेंग लीडर फिल्म को आप तेलुगू तमिल और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो नानीज गेंग लीडर पहले इस फिल्म का नाम गैंग लीडर था लेकिन कुछ रीजंस के चलते बाद में इस फिल्म का नाम चेंज करते हुए नानिज गैंग लीडर रखना पड़ा था क्योंकि गैंग लीडर नाम से पहले भी काफी सारी फिल्में आ चुकी थी उस वजह से किसी फिल्म ने ऑब्जेक्शन लिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म को 2019 में क्रिएट किया गया था रिलीज किया गया था यह एक तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है और मोहन चेरोबन पच्चीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म, का इस फिल्म को मैथ्री मूवी मेकर प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था वहीं पे इस फिल्म को सारी गा सिनेमाज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था और तेलुगु स्टेट में

तो जैसे एक मैंने कहा कि फिल्म में टोटल पांच गाने जहाँ पे चार गाने फिल्म में रखे हुए और एक गाना है वो बोनस ट्रैक है और फिल्म में जो गाने हैं वो टोटल शायद तीन ही देखने को मिलेंगे एक तो प्रमोशनल सॉन्ग है वैसे भी इन गानों को 2019 में ही रिकॉर्ड किया गया था 2019 में ही रिलीज किया गया था आलबर्क्योर का रिकॉर्ड जो स्टूडियो है वहां पे चेन्नई में रिकॉर्ड किया गया था

तो इस गाने को लिखा हुआ है अनंता श्री राम ने गाया हुआ है पृथ्वी चंद्रा और बासेर मैक्स ने दूसरा गाना है होइना होइना जिसके लिरिक्स अनंता श्री राम और इनो गेंगा ने लिखे हुए गाया हुआ इनो गेंगा ने वहीं पे तीसरा गाना है निन्नू चूसे अंदर मलो जिसके लिरिक्स लिखे हुआ अनंत श्री राम ने और सिंगर थे सिद्ध श्री राम चौथा गाना था गेंगू लीडर जिसको एक सॉन्ग के तौर क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स श्री राम ने लिखे गाया हुए गाया हुआ अनिरुद्ध अनुरुद्ध ने बोनस ट्रेक पांचवा कथरायम दम कथराइज वर्जन जिसको गाया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने थे टोटल पांच गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो एक जहां पे रोबरी रोबरी होती है एक ओल्ड लेडी जिसका रोल प्ले करी लक्ष्मी जो एक गेंग क्रिएट करती है जहां पे वो पेंसिल्स सारथी को अप्रोच करती है जिसका रोल प्ले करे है नानी जो एक क्राइम नोवेल स्पेशलिस्ट है जो अपने ये इस मदद को वो इस चीज को वो उसके यूज में लेना चाहता है इनिशियली पेंसिल इन सभी चीजों को इग्नोर करता है इन गेंग को इग्नोर करता है लेकिन बाद में फाइनली उनको हेल्प करने का डिसाइड करता है अब ये सभी जो वुमन है वो कौन है ये गेंग क्यों क्रिएट की हुए लक्ष्मी ने इसके पीछे क्या रीजन है और इसके अलावा वो बैंक रोबर के साथ क्या करना चाहती है और इसके अलावा पेंसिल उनकी मदद ही क्यों कर रहा है और देव इन सभी चीजों में किस तरह से फीचर करता हाथ है वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिस तरह से सेट किया हुआ था वो अलग ही नजर आ रहा था जो रेगुलर कमर्शियल फिल्म होती है उससे काफी डिफरेंट था विक्रम कुमार जिन्होंने इस फिल्म के साथ एक नया एंगल क्रिएट करके एक अच्छा फन एलिमेंट डाला हुआ था उनका निरेशन काफी बढ़िया नजर आ रहा था जहां पे वो सीरियस टोन की जगह एक फन टोन में काफी बढ़िया तरीके से चीजों को दिखा रहे थे नानी ने जिस तरह से अपने किरदार को निभाया हुआ है वो काफी बढ़िया नजर आता है उनका वो अप्रोच उनकी वो कॉमेडी टाइमिंग जिस तरह से इस फिल्म में जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है जिस तरह सभी चीजों को जनरेट किया हुआ था डायरेक्टर और एक्टर ने मिलकर वो काफी बढ़िया था नानी का रोल अच्छी तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसने और भी बेहतर वे में उसको डिलीवर किया हुआ था नानी का जो ह्यूमर था सीरियसनेस थी इन दोनों चीजों का जो

काम काफी बढ़िया नजर आता है वो सभी चीजें फिल्म में एक देव क्रिएट करती है किशोर का जो एक रोल था वो भी काफी बढ़िया तरीके से फन क्रिएट करने में कामयाब रहता है इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसको काफी जल्दबाजी में निपटाया हुआ है विलन को जिस तरह से दिखाया हुआ है नो टाइम काफी फटाफट सिंपल वे में एंड किया हुआ है तो वो सभी चीजें बेटर की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से प्री क्लाइमेक्स में चीज़ों को दिखाया हुआ है जो सस्पेंस रिवील किया हुआ है उसको और बेहतर वे में किया जा सकता था क्लाइमेक्स में कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन उतना बेहतर वे में क्लाइमेक्स में वो सभी चीजें देखने को नहीं मिलती है सेकंड हाफ में चीजें थोड़ी डाउन हो जाती है जब एक बार थोड़ा बहुत ट्विस्ट रिविल हो जाता है सभी चीजें प्रिडिक्टेबल हो जाती है स्क्रीन प्ले लास्ट टेन मिनट का आपको ठीक ठाक नजर आएगा उसको और बेटर वे में ग्रिपिंग वे में दिखाया जा सकता था इसके अलावा जो फिल्म के टेक्निकल पॉइंट से जैसे कि प्रोडक्शन वैल्यू काफी टोपनोज नजर आ रही थी क्राइम सीन्स रिवेंट सेटअप को अच्छी तरह से दिखाया हुआ था कैमरा वर्क काफी बढ़िया था टॉप नोच देखने को मिलता है एक स्पेसिफिक टोन था क्राइम का ब्रेक ड्रॉप वाला वो अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था म्यूजिक में जो गाने थे वो डिसेंट थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर था वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव नजर आता है वहीं पे इस फिल्म की जो प्रोडक्शन डिजाइन है उसको काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है जो क्राइम है जो एक गेंग का लुक क्रिएट किया हुआ था गेंग हाउस का लुक क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था एडिटिंग काफी डिसेंट नजर आती है फर्स्ट आपको और बेहतर वे में एडिट किया जा सकता था थोड़ा छोटा किया जा सकता था डायलॉग काफी बढ़िया थे लिरिक्स काफी अच्छी तरह से लिखे गए थे डायरेक्टर विक्रम कुमार ने फिल्म के साथ अच्छा काम किया हुआ है उनका नोवेल स्क्रिप्ट और जिस

सभी चीजों को अप्रोच किया हुआ है और इस फिल्म में जिस तरह से एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, की की है, है, है।, हाँ, है लेकिन उसको इग्नोर करोगे तो फिल्म काफीजिंग है देखने लायक इसे देखा जा सकता है गैंग लीडर फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 13 सितंबर 2019 को रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में इस फिल्म को पोस्टपोन किया सॉरी इस फिल्म को बाद में पहले 30 अगस्त 2019 को रिलीज करने वाले थे लेकिन फाइनली 13 सितंबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसके चलते हुई जिस थी दस में से और इस फिल्म ने उसके साथ एक अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी किया करीबन पच्चीस करोड़ के बजट के सामने करीबन पैतालीस से पचास करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टेग लिया हुआ था क्लीन

फ्री में तमिल डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट प्रीमियर है वो भी आपको गोल के ही चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली शायद हो सकता है कि संकेत या सानूर मिर्जा नानी को वो इज और कर सकते हैं अभी डबिंग स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन आने वाले समय में जब डबिंग स्टार्ट होगी उसको डबिंग करवाने के बाद इस फिल्म को डायरेक्टली पहले टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा और बाद में यूट्यूब पे ऑफिशियली गोल्ड के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहां पे लीडर फिल्म आप बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब टाइटल कर पाओगे तो इस तरह से नानीज गैंग लीडर फिल्म को आप तेलुगू तमिल और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो नानीज गैंग लीडर पहले इस फिल्म का नाम गेंग लीडर था लेकिन कुछ रीजन के चलते बाद में इस फिल्म का नाम चेंज करते हुए नानिस गेंग लीडर रखना पड़ा था क्योंकि गेंग लीडर नाम से पहले भी काफी सारी फिल्में आ चुकी थी उस वजह से किसी फिल्म ने ऑब्जेक्शन लिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म को 2019 में क्रिएट किया गया था रिलीज किया गया था यह एक तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है पच्चीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था वहीं पे इस फिल्म को सारीगम सिनेमा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था और तेलुगु स्टेट में

सके वहीं पे इस फिल्म का जो कास्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है जहाँ पे लीड रोल में देखने को मिलेंगे नानी जिन्होंने पेंसिल पार्थ सामी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे कार्तिक को प्रिया का रोल दिया गया था लक्ष्मी ने सरस्वती का रोल प्ले किया हुआ है सरणिया पोनवान को वारा लक्ष्मी का रोल दिया गया था श्रे रेड्डी आपको स्वाति के रोल में दिखाई देंगे प्रणया पी राव ने इस फिल्म में श्रीनिधि यानी कि चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है अनिश कुरुविल्ला को सब इंस्पेक्टर का रोल दिया गया था

तो जैसे एक मैंने कहा कि फिल्म में टोटल पांच गाने जहाँ पे चार गाने फिल्म में रखे हुए और एक गाना है वो बोनस ट्रैक है और फिल्म में जो गाने हैं वो टोटल शायद तीन ही देखने को मिलेंगे एक तो प्रमोशनल सॉन्ग है वैसे भी इन गानों को 2019 में ही रिकॉर्ड किया गया था 2019 में ही रिलीज किया गया था अल्बर क्योर का रिकॉर्ड जो स्टूडियो है वहा पे चेन्नई में रिकॉर्ड किया गया था

तो इस गाने को लिखा हुआ अनंता श्रीराम ने गाया हुआ पृथ्वी चंद्रा और बासेर मैक्स ने दूसरा गाना है होइना होइना जिसके लिरिक्स अनंता श्री राम और इनो गेंगे अनंता श्री राम ने वहीं पे तीसरा गाना है निन्नू चूसे जिसके लिरिक्स लिखे हुए अनंता श्रीराम ने और सिंगर थे सिद्ध श्री राम चौथा गाना था गेंगू लीडर जिसको एक रोमोसल सॉन्ग के तौर पर क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स अनंता श्रीराम ने लिखे हुए गाया हुआ अनिरुद्ध रविचंदन ने बोनस ट्रेक पांचवा कथराइज वर्क वर्जन जिसको गाया हुआ है अनिरुद्ध रविचंद्र ने थे टोटल पांच गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो एक क्रेजी बैंक रोबरी होती है जहां पे ये रोबरी हैदराबाद में की जाती है करीबन तीन करोड़ की ये रोबरी होती है अब इसके बाद में एक ओल्ड लेडी जिसका रोल प्ले करे लक्ष्मी जो एक गैंग क्रिएट करती है जहाँ पे वो पेंसिल को अप्रोच करती है जिसका रोल प्ले करे नानी जो एक क्राइम नोवेल स्पेशलिस्ट है जो अपने ये इस मदद को वो इस चीज को वो उसके यूज में लेना चाहता है इनिशियली पेंसिल इन सभी चीजों को इग्नोर करता है इन गेंग को इग्नोर करता है लेकिन बाद में फाइनली उनको हेल्प करने का डिसाइड करता है अब ये सभी जो वुमन है वो कौन है ये गेंग क्यों क्रिएट किए हुए लक्ष्मी ने इसके पीछे क्या रीजन है और इसके अलावा वो बैंक रोबर के साथ क्या करना चाहती है और इसके अलावा पेंसिल उनकी मदद ही क्यों कर रहा है और देव इन सभी चीजों में किस तरह से फीचर करता है इस सेटअप में उसका क्या हाथ है वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिस तरह से सेट किया हुआ था वो अलग ही नजर आ रहा था जो रेगुलर कमर्शियल फिल्म होती है उससे काफी डिफरेंट था विक्रम कुमार जिन्होंने इस फिल्म के साथ एक नया एंगल क्रिएट करके एक अच्छा फन एलिमेंट डाला हुआ था उनका नेरेशन काफी बढ़िया नजर आ रहा था जहाँ पे वो सीरियस टोन की जगह एक फन टोन में काफी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखा रहे थे नानी ने जिस तरह से अपने किरदार को निभाया हुआ है वो काफी बढ़िया नजर आता है उनका वो अप्रोच उनकी वो कॉमेडी टाइमिंग जिस तरह से इस फिल्म में जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है जिस तरह सभी चीजों को जनरेट किया हुआ था डायरेक्टर और एक्टर ने मिलकर वो काफी बढ़िया था नानी का रोल अच्छी तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसने और भी बेहतर वे में उसको डिलीवर किया हुआ था नानी का जो ह्यूमर था सीरियसनेस थी वो इन दोनों चीजों का जो था उन्होंने बर्खु, ब, बर्खु भी ने भी इस फिल्म के साथ एक किया हुआ में उनका काम काफी ब्यूटीफुल नजर, नजर आ रही थी उनके नानी के साथ जितने भी सीन वो थे रोमांटिक ट्रैक को परफेक्ट तरीके से सेट से किया हुआ था सीनियर एक्ट्रेस लक्ष्मी जिन्होंने एक मीठी रोल प्ले किया हुआ है अपने रोल के साथ वो एक अच्छा फन क्रिएट करती है और साथ ही में जो एंड में एक सेंटीमेंट देखने को मिलता है वो भी काफी बढ़िया था शरण्या मोहन ने एक सुपर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए हैं और एक बार फोर पीस है वो प्रो करती हुई नजर आती है कि वो सभी टाइप के रोल कर सकती है और कॉमिक टाइप के भी कॉमेडी रोल भी वो आसानी से प्ले कर सकते least, हीरो का के, है आ रहा था। जिस इस रोल के साथ उन्होंने साथ ही में इससे अंदाजा लगेगा कि वो काफी आगे जाके बड़े हीरो बन सकते देव एक स्टाइलिश किरदार था एग्रेसिव तो इन सभी चीजों में उनका काम काफी बढ़िया नजर आता है वो सभी चीजें फिल्म एक देव क्रिएट करती है वेनिला किशोर का जो एक रोल था वो काफी बढ़िया तरीके से फन क्रिएट करने में कामयाब रहता है इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसको काफी जल्दबाजी में निपटाया हुआ है विलन को जिस तरह से दिखाया हुआ है नो टाइम काफी फटाफट सिंपल वे में एंड किया हुआ है तो वो सभी चीजें बेटर की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से प्री क्लाइमेक्स में चीज़ों को दिखाया हुआ है जो सस्पेंस रिवील किया हुआ है उसको और बेहतर वे में किया जा सकता था क्लाइमेक्स में कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन उतना बेहतर वे में क्लाइमेक्स में वो सभी चीजें देखने को नहीं मिलती है सेकंड हाफ में चीज़ें थोड़ी डाउन हो जाती है जब एक बार थोड़ा बहुत ट्विस्ट रिविल हो जाता है सभी चीजें प्रिडिक्टेबल हो जाती है स्क्रीन प्ले लास्ट टेन मिनट का आपको ठीक ठाक नजर आएगा उसको और बेटर वे में ग्रिपिंग वे में दिखाया जा सकता था इसके अलावा जो फिल्म के टेक्निकल पॉइंट है जैसे कि प्रोडक्शन वैल्यू काफी टॉप नोच नजर आ रही थी क्राइम सीन्स रिवेंज सेटअप को अच्छी तरह से दिखाया होता था कैमरा वर्क काफी बढ़िया था टॉप नोच देखने को मिलता है एक स्पेसिफिक टोन था क्राइम का ब्रेक ड्रॉप वाला वो अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था म्यूजिक में जो गाने थे वो डिसेंट थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर था वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव नजर आता है वहीं पे इस फिल्म की जो प्रोडक्शन डिजाइन है उसको काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है जो क्राइम सेटअप है जो एक गेंग का लुक क्रिएट किया हुआ था गैंग हाउस का लुक क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था एडिटिंग काफी डिसेंट नजर आती है फर्स्ट आपको और बेहतर एडिट किया जा सकता था थोड़ा छोटा किया जा सकता था डायलॉग काफी बढ़िया थे लिरिक्स काफी अच्छी तरह से लिखे गए थे

क्राइम थ्रिलर इसी फिल्म है जहां पे अच्छा खासा फन है क्रिस नेरेसन देखने को मिलता है वे में, में सभी चीजों को अप्रोच किया हुआ है और इस फिल्म में जिस तरह से एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है लीड से लेकर सपोर्टिंग एक्टर की सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी और नेचुरल नजर आती है सस्पेंस कॉमेडी जिस तरह से हैंडल किए हुए डायरेक्टर ने वो बढ़िया है हाँ फिल्म क्लाइमेक्स में थोड़ी स्लाइटली डल होती है लेकिन उसको इग्नोर करोगे तो फिल्म काफी एंगेजिंग है देखने लायक है इसे देखा जा सकता है गैंग लीडर फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को तेरह सेप्टेम्बर

वाले समय में एंजॉय करोगे वहीं पे जो तमिल वर्जन है वो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में एवरीथिंग विद सबटाइटल तमिल डबड वर्जन में देखने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट प्रीमियर है वो भी आपको गोलमेंस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली शायद हो सकता है कि संकेत माथरी या सानूर मिर्ज़ा नानी को वोइ ओवर कर सकते हैं अभी डबिंग स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन आने वाले समय में जब डबिंग स्टार्ट होगी उसको डबिंग करवाने के बाद इस फिल्म को डायरेक्टली पहले टीवी पे प्रीमियर करवाया जाएगा और बाद में यूट्यूब पे ऑफिशियली गोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया जाएगा जहां पे नानीज गैंग लीडर फिल्म आप बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब टाइटल कर पाओगे तो इस तरह से नानीज गैंग लीडर फिल्म को आप तेलुगु तमिल और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो नानीज गैंग लीडर पहले इस फिल्म का नाम गैंग लीडर था लेकिन कुछ रीजन के चलते बाद में इस फिल्म का नाम चेंज करते हुए नानिस गैंग लीडर रखना पड़ा था क्योंकि गैंग लीडर नाम से पहले भी काफी सारी फिल्में आ चुकी थी उस वजह से किसी फिल्म ने ऑब्जेक्शन लिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म को 2019 में क्रिएट किया गया था रिलीज किया गया था यह एक तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है पच्चीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया था वहीं पे इस फिल्म को सारीगम सिनेमा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था और तेलुगु स्टेट में मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा रिलीज करवाया गया फिल्म तो में टोटल पांच गाने जहाँ पे चार गाने फिल्म में रखे हुए और एक गाना है वो बोनस ट्रैक है और फिल्म में जो गाने वो टोटल शायद तीन ही देखने को मिलेंगे एक तो प्रमोशनल सॉन्ग है वैसे भी इन गानों को 2019 में ही रिकॉर्ड किया गया था 2019 में ही रिलीज किया गया था आल्ब का रिकॉर्ड जो का स्टूडियो है वहां पे चेन्नई में रिकॉर्ड किया गया था

तो इस गाने को लिखा हुआ है अनंता श्रीराम ने गाया हुआ है पृथ्वी चंद्रा और मैक्स ने दूसरा गाना है होइना होइना जिसके लिरिक्स अनंता श्री राम और इनो गेंगे अनंता श्री राम ने वहीं पे तीसरा गाना है चूसे जिसके लिरिक्स लिखे अनंता श्रीराम ने और सिंगर थे सिद्ध श्री राम चौथा गाना था गेंगू लीडर जिसको एक सॉन्ग के तौर पर क्रिएट किया गया था जिसके लिरिक्स अनंता श्री ने लिखे हुए गाया हुआ अनिरुद्ध रविचंदन ने बोनस पांचवा कथराय दम प्रीप्राइज वर्जन जिसको गाया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदन ने थे टोटल पांच गाने आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तेलुगु वर्जन में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो एक क्रेजी बैंक रोबरी होती है जहां पे ये रोबरी हैदराबाद में की जाती है करीबन तीन करोड़ की रोबरी होती है अब इसके बाद में एक ओल्ड लेडी जिसका रोल प्ले करे लक्ष्मी जो एक गेंग क्रिएट करती है जहां पे वो पेंसिल को अप्रोच करती है जिसका रोल प्ले करे नानी जो एक क्राइम नोवेल स्पेशलिस्ट है जो अपने ये इस मदद को वो इस चीज को वो उसके यूज में लेना चाहता है इनिशियली पेंसिल इन सभी चीजों को इग्नोर करता है इन गेंग को इग्नोर करता है लेकिन बाद में फाइनली उनको हेल्प करने का डिसाइड करता है अब ये सभी जो वुमन है वो कौन है ये गेंग क्यों क्रिएट किए हुए लक्ष्मी ने इसके पीछे क्या रीजन है और इसके अलावा वो बैंक रोबर के साथ क्या करना चाहती है और इसके अलावा पेंसिल उनकी मदद ही क्यों कर रहा है और देव इन सभी चीजों में किस तरह से फीचर करता है इस सेटअप में उसका क्या हाथ है वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था जिस तरह से सेट किया हुआ था वो अलग ही नजर आ रहा था जो रेगुलर कमर्शियल फिल्म होती है उससे काफी डिफरेंट था विक्रम कुमार जिन्होंने इस फिल्म के साथ एक नया एंगल क्रिएट करके एक अच्छा फन एलिमेंट डाला हुआ था उनका नरेशन काफी बढ़िया नजर आ रहा था जहां पे वो सीरियस टोन की जगह एक फन टोन में काफी बढ़िया तरीके से चीजों को दिखा रहे थे नानी ने जिस तरह से अपने किरदार को निभाया हुआ है वो काफी बढ़िया नजर आता है उनका वो अप्रोच उनकी वो कॉमेडी टाइमिंग जिस तरह से इस फिल्म में जो कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है जिस तरह सभी चीजों को जनरेट किया हुआ था डायरेक्टर और एक्टर ने मिलकर वो काफी बढ़िया था नानी का रोल अच्छी तरह से लिखा हुआ था लेकिन उसने और भी बेहतर वे में उसको डिलीवर किया हुआ था नानी का जो ह्यूमर था सीरियसनेस थी इन दोनों चीजों का जो

काम काफी बढ़िया हाँ नजर आता है वो सभी चीजें फिल्म एक देव क्रिएट करती है वेनिला किशोर का जो एक रोल था वो भी काफी बढ़िया तरीके से फन क्रिएट करने में कामयाब रहता है इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसको काफी जल्दबाजी में निपटाया हुआ है विलन को जिस तरह से दिखाया हुआ है नो टाइम काफी फटाफट सिंपल वे में एंड किया हुआ है तो वो सभी चीजें बेटर की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से प्री क्लाइमेक्स में चीज़ों को दिखाया हुआ है जो सस्पेंस रिवील किया हुआ है उसको और बेहतर वे में किया जा सकता था क्लाइमेक्स में कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन उतना बेहतर वे में क्लाइमेक्स में वो सभी चीजें देखने को नहीं मिलती है सेकंड हाफ में चीजें थोड़ी डाउन हो जाती है जब एक बार थोड़ा बहुत ट्विस्ट रिविल हो जाता है सभी चीज़ें प्रिडिक्टेबल हो जाती है स्क्रीन प्ले लास्ट टेन मिनट का आपको ठीक ठाक नजर आएगा उसको और बेटर वे में ग्रिपिंग वे में दिखाया जा सकता था इसके अलावा जो फिल्म के टेक्निकल पॉइंट है जैसे कि प्रोडक्शन वैल्यू काफी टॉप नोट नजर आ रही थी क्राइम सीन्स रिवेंस सेटअप को अच्छी तरह से दिखाया हुआ था कैमरा वर्क काफी बढ़िया था टॉप नोच देखने को मिलता है एक स्पेसिफिक टोन था क्राइम का ब्रेक ड्रोप वाला वो अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था म्यूजिक में जो गाने थे वो डिसेंट थे लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर था वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव नजर आता है वहीं पे इस फिल्म की जो प्रोडक्शन डिजाइन है उसको काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है जो क्राइम सेटअप है जो एक गेंग का लुक क्रिएट किया हुआ था गेंग हाउस का लुक क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था एडिटिंग काफी ने फिल्म के साथ अच्छा काम किया हुआ उनका नोवल स्क्रिप्ट और जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया था वो आपको पसंद आएगा रिविन ड्रामा जिस तरह से दिखाया होता उसके अलावा उसमें उन्होंने जिस तरह से ह्यूमर डाला हुआ था लेडी गैंग क्रिएट की हुई थी वो सभी चीजें जिस तरह से एक अप किए हुए है, वो सभी चीजें पसंद आएगी इस फिल्म में अननेसेरी कमर्शियल एलिमेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन उसके बावजूद फिल्म काफी बढ़िया तरीके से तरीके से इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग नजर आती है ओवरऑल गेंग लीडर एक क्राइम थ्रिलर ऐसी फिल्म है जहां पे अच्छा खासा फन है क्रिस नेरेसन देखने को मिलता है वे में, में सभी चीजों को अप्रोच किया हुआ है और इस फिल्म में जिस तरह से एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है लीड से लेकर सपोर्टिंग एक्टर की सभी की परफॉर्मेंस काफ़ी और नेचुरल नजर आती है सस्पेंस कॉमेडी जिस तरह है से हैंडल किए हुए डायरेक्टर ने वो बढ़िया है हाँ फिल्म क्लाइमेक्स में थोड़ी स्लाइटली डल होती है लेकिन उसको इग्नोर करोगे तो फिल्म काफी एंगेजिंग है देखने लायक है इसे देखा जा सकता है गैंग लीडर फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को तेरह सेप्टेम्बर द्वारा

वाले समय में एंजॉय करोगे वहीं पे जो तमिल वर्जन है वो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में एवरीथिंग विद सबटाइटल तमिल डबड वर्जन में देखने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट प्रीमियर है वो भी आपको गोलमांस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली शायद हो सकता है कि संकेत माथरी या सानूर मिर्ज़ा नानी को वो इज कर सकते हैं अभी डबिंग स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन आने वाले समय में जब उसको करवाने के बाद इस फिल्म को डायरेक्टली पहले टीवी पर हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब टाइटल कर पाओगे तो इस तरह से नानी गैंग लीडर फिल्म को आप तेलुगु तमिल और हिंदी वर्जन में सकते हो तो बस गाइज इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए फिल्म के प्रोडक्शन

चैनल को सब्सक्राइब करना ना ना भूलेगा थैंक यू